कड़े चौकसी, ट्रेनों के रोकने की धमकी रही बेअसर। संगीनों के साए में दिन भर दौड़ी गाड़ियां, डॉग स्क्वाड की टीम भी रही मौजूद। रेल रोकने की खालिस्तानी समर्थक की धमकी जिले में बेअसर रही, लेकिन दिन भर संगीनों के साए में ट्रेनें दौड़ी। आधुनिक हथियारों से लैस पुलिसकर्मी स्टेशनों के प्रवेश गेट, स्टेशन परिसर, अंडरपास और रेलवे फाटकों पर गश्त करते नजर आए। धमकी को देखते हुए तुगलकाबाद से लेकर पलवल तक 500 से अधिक सशस्त्र जवान तैनात किए गए थे। यही नहीं, आरपीएफ की टीम रेलवे ट्रैक पर गश्त करती नजर आई। स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की रैंडम चेकिंग भी की गई। इससे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। देर शाम तक कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सबसे संवेदनशील ओल्ड फरीदाबाद स्टेशन पर डॉग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद रही। बता दें, पिछले दिनों खालिस्तान समर्थक संगठन सिक्स फॉर जस्टिस का स्वयंभू सरंगना गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका से वॉइस रिकॉर्डिंग कॉल के जरिए शहर के पत्रकारों व शहरवासियों को फोन कर 3 जून को हरियाणा में कोई भी ट्रेन न चलने देने की धमकी दी थी। किसी प्रकार की घटना होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अनिल विज को जिम्मेदार ठहराने की बात कही थी। सुरक्षा एजेंसियों ने इस धमकी को गंभीरता से लिया और रेलवे परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।